शराबबंदी तो है जी, फिर भी शराब लदा रहा है, इसका दोषी कौन है? नीतीश कुमार। कैसे? थानेदार। कैसे? कैसे आप देख लीजिए, नीतीश कुमार ने थानेदार का आय दुगना करने के लिए शराबबंदी किया है सिर्फ नाम का। आप थाना में अभी भी हर थाने में जाके देखिए, शराब का एक दो कार्टून आपको मिल जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला जो है चांदनी चौक, वहाँ रोजाना 1 करोड़ का शराब पकड़ाता है ट्रक से। थानेदार को सस्पेंड करना चाहिए, अगर जहाँ किस आधार पे कह रहे थानेदार को सस्पेंड करना चाहिए? नहीं, वह तो पकड़ रहा है। पकड़ नहीं रहा है, पकड़ रहा है वही, लेकिन वही ये कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा, वही रहा है, पैसा नहीं दे रहा है तब ना पकड़ा रहा है। आप जो पैसा दे रहा है तो आराम से धंधा कर रहा है, शराब बेच रहा है। महंगाई एकदम इतना हो गया है कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। राजीव प्रताप रूडी, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और उसको बीजेपी को ये समझना चाहिए कि ऐसे सांसद को तुरंत रिजाइन करवाना चाहिए। जहाँ पे 10 रुपये टिकट था पैसेंजर ट्रेन का, वो अब 30 रुपये देना पड़ रहा है। आपके नज़रों में कौन बेस्ट लीडर है? हमारे नज़रों में तेजस्वी, अभी तो फिलहाल अगर उनको देते 5 साल का समय तो सुधार कर सकते थे। बिहार के सरजमी पे जब भी स्टेशन की बात होती है तो पहले पैदान पर पटना स्टेशन आती है। पटना स्टेशन पीछे के बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा। आज हम पटना के स्टेशन पे हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं और एक चचा है जो अखबार पढ़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि का चचा, हाँ, का नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार, हाँ। कहाँ से? विक्रम से। विक्रम से पटने से, हाँ। अच्छा, आज के पेपर में एक आया हुआ है, सारण के एक सांसद है जिनका नाम है राजीव प्रताप रूढ़ी, एम्बुलेंस जारी किए हुए थे, वो एम्बुलेंस में शराब लदा रहा है। पहले बालू लदा रहा था, अब शराब लदा रहा है, क्या कहिएगा इस पे? और तो सब काम गलत है, आपका हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह, काम गलत है, गलत है, नहीं लदाना चाहिए ना। बगल में रोगी लदाना है वाला, मैं शराब लदा रहा, गलते ना है। हाँ, जब मैं रोगी लदा रहा है उसमें अब शराब लदाएगा तो क्या होगा ना? समाज का विकास होगा कि ना होगा? सरकार कमजोर है, सरकार बहुत कमजोर है, समझे ना? यही आधार पे काम बढ़िया ढंग से हो ही नहीं रहा उनका काम। पहले पटना स्टेशन केंगे था, आज देखिए केंगे हो। अरे ये तो सेंट्रल के पैसा से हो रहा है, ये यहाँ के पैसा से नहीं हो रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इसलिए थोड़ा कर दिया है। लेकिन सेंट्रल भी अभी गलती कर रही है, क्योंकि जेनरल टिकट नहीं काट रही है, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये ले रहा है, ये गरीब पर बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। मोदी जी के राज में तो देख रहे हैं कि दुनिया भर का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा गरीबों बहुत ज्यादा मतलब कि प्रेशर पड़ रहा है, समझे ना? इसके बारे में मोदी जी को सोचना चाहिए, मोदी सर को सोचना चाहिए। बट यू ग्रेट लीडर और ग्रेट प्रधानमंत्री मोदी, यही कहेंगे उनके लिए। लेकिन हमारे बिहार में बेस्ट लीडर चाहिए एक, जो हमारे बिहार को बढ़िया तरीके से सुधारे। आपके नज़रों में कौन बेस्ट लीडर है? हमारे नज़रों में तेजस्वी, अभी तो फिलहाल अगर उनको देते 5 साल का समय तो सुधार कर सकते थे। और दूसरा तो एक हैं अपना हमारे रामविलास सर के जो पुत्र हैं उनका, चिराग पासवान, वो हो गए हैं। लेकिन फ्यूचर में हमको लगता है बिहार का जो लीडर है, बेस्ट लीडर है सीएम बनने के लिए, एक तेजस्वी है, दूसरा में अपना चिराग पासवान का लड़के हैं जो चिराग पासवान है वो, और तीसरा में कन्हैया जी हैं वो, बस और कुछ, हाँ बस। अच्छा, वही फ्यूचर में वही नज़र आ रहे हैं हमारे ख्याल से तेजस्वी। बाकी नीतीश जी तो समय उनका हो चुका है, समय उनका हो ही। क्या नाम है? नाम नहीं बताया। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। कौन जिला? गया डिस्ट्रिक्ट से मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, एक और आदमी है यहाँ पे बैठे हुए हैं, तब कहला बैठे हैं? कहल बैठेंगे, मजदूर आदमी हैं, ऐसे आदमी हैं। क्या करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं? कौन सी काम करते हैं? ईंट मसाला थी, राजमिस्त्री के काम करते हैं। कितना रुपया मिलता है? दाढ़ी तो 400 रुपये देता है। तो आज बैठे हैं, काम पर नहीं गए हैं, क्या है? काम नहीं मिला है? काम नहीं मिला। तो काम नहीं मिला है तो फिर इसके लिए सरकार आप लोग के लिए कुछ कर रही है कि ना? कुछ नहीं कर रहा है, काम ठीक करेगा, कुछ नहीं कर रहा। वोट देने के बारे में नहीं सोचे थे कि सरकार, अगर हम जिसको वोट दे रहे हैं, जिसको हम चुन रहे हैं अपना नेता, वो आपका काम करे है? ऐसे बेकार बैठे हैं यार, क्या करें। अच्छा बताइए, सही सही बताइएगा, नीतीश जी के राज आपको कैसा लगता है ईमानदारी से? देखिए, कोई भी सरकार बने, मजदूर को काम चाहिए, मजदूर को काम चाहिए। हाँ। तो जीवन भर मजदूर कामे करते रहेगा, आओ लो एसी में बैठेंगे। सरकार बने उससे क्या थी है? मजदूर के पेटे नहीं भरेगा तो क्या करेगा? अच्छा, मजदूर का आपका पेट नहीं भर रहा है? जैसे मजदूर को जीवन जो है बहुत मुश्किल से कट रहा है, मुश्किल से, जैसे हाँ, जैसे काम भी नहीं मिलता है। अच्छा, पीछे और भी लोग हैं, बात करते हैं थोड़ा। भाई साहब,
कहाँ से? मैं तो बख्तियारपुर से हूँ। बख्तियारपुर से जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शाहिद अदबी हुआ। शाहिद अदबी जी। अच्छा बताइए जी कि सारण के को सांसद है जी जी, जिनका नाम है राजीव प्रताप रूड़ी, जी जी। पहले बालू लदा रहा था उनके एम्बुलेंस द्वारा, अब उनमें शराब लदा रहा है जी जी। बिहार में तो शराब बंद है, सभी लोग जानता है, जानता है कि ना? तो बताइए कि शराब बंद है और मैं शराब लदा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? ये तो देखने वाली बात है। कुछ दिन पहले पप्पू यादव उजागर किए थे और उसी बीच अभी देखिए कि उसी एम्बुलेंस से शराब पकड़ाया है। ये नीतीश कुमार को ये नहीं दिखता है, ये मेरा भी घर नीतीश कुमार के बगल में है। अच्छा। और नीतीश कुमार को ये सब दिखता है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखता है क्या है तो चालान कटना है, बैग का चालान कटना है, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है। प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए कि टिकट कितना महंगा हो गया है, जहाँ पे 10 रुपये टिकट था पैसेंजर ट्रेन का, वो अब 30 रुपये देना पड़ रहा है। महंगाई एकदम इतना हो गया है कि लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, सोचने वाली बात है। और वो सांसद का जहाँ तक बात है कि राजीव प्रताप रूड़ी, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और उसको बीजेपी को ये समझना चाहिए कि ऐसे सांसद को तुरंत रिजाइन करवाना चाहिए, हम तो ये कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम मुखिया जी को दे दिए थे और मुखिया जी बाकायदा जो चला रहा है एम्बुलेंस, वो आदमी का नाम और गाड़ी नंबर सब मेंशन करके हम उनको दिए हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद जी अपने आप को निकल रहे हैं। हाँ वो तो कन्नी काट कर तो निकलेंगे ही ना, असल में उस एम्बुलेंस पर तो देखिए कि राजीव प्रताप रूड़ी का साफ साफ नाम लिखा हुआ है। हाँ, कि उसके सौजने से ये एम्बुलेंस हाँ प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले तो मालिक उस गाड़ी का तो वही है, हकदार वही है ना, सबसे पहले तो उस पे FIR दर्ज होना चाहिए उस सांसद पे, हम तो यही कहेंगे। उनके संसदीय क्षेत्र में अगर है क्षेत्र पे है तो सबसे पहले उनका इस घटना का जिम्मेदार वो है। अच्छा एक बात बताइए, शराबबंदी तो है जी, फिर भी शराब लदा रहा है, इसका दोषी कौन है? नीतीश कुमार। कैसे? थानेदार। कैसे? कैसे आप देख लीजिए, नीतीश कुमार ने थानेदार का आय दुगना करने के लिए शराबबंदी किया है सिर्फ नाम का। आप थाना में अभी भी हर थाने में जाके देखिए, शराब का एक दो कार्टून आपको मिल जाएगा। तो पकड़ा रहा है, पकड़ा रहा है तो ये मिली गाठ है ना, साठ गाठ है थानेदार का, पकड़ा भी रहा है तो उसी के ही से, थानेदार का ही से। अगर पैसा नहीं दे रहा है महीना पर, उसको टैक्स नहीं दे रहा है, रंगदार टैक्स कर जो भी कर लीजिए नहीं दे रहा है, इसलिए पकड़ा रहा है। अभी रंगदार मुजफ्फरपुर जिला जो है चांदनी चौक, वहाँ रोजाना 1 करोड़ का शराब पकड़ाता है ट्रक से। आप वहाँ तो सोचिए, वहाँ 1 करोड़ का, आप सबसे पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर शराब पकड़ाता है तो वो मुजफ्फरपुर जिला है, चांदनी चौक पे आप नाम सुने होंगे, वहाँ 1 करोड़ का रोजाना पकड़ाता है, आप सोच सकते हैं। और शराबबंदी तो सिर्फ झूठ मुठ का है, सिर्फ नाम का। हम भी चाहते हैं शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी का सही मायने होना चाहिए, उसका धरातल पर दिखना चाहिए कि हाँ शराबबंदी, सबसे पहले तो थानेदार को सस्पेंड करना चाहिए। अगर जहाँ किस आधार पे कह रहे थानेदार को सस्पेंड करना चाहिए? नहीं, वह तो पकड़ रहा है, पकड़ नहीं रहा है, पकड़ रहा है वही, लेकिन वही ये कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा, वही रहा है, पैसा नहीं दे रहा है तब ना पकड़ा रहा है। आप जो पैसा दे रहा है तो आराम से धंधा कर रहा है, शराब बेच रहा है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग को बेचवा रहा है शराब, होम डिलीवरी। अब क्या नाम हो बताए? शाहिद अदबी नाम है मेरा। पीछे एक और भाई साहब है, क्या नाम है? संदीप। माला वाला पहने है? ऐसे ही पहने है। कितने का आता है माला? कितने कैसे का आता? अच्छा, कहना चाहेंगे कि बिहार के नीतीश कुमार के सरकार कैसन है आपके नज़र में? सही सही बताइए। कैसन है? महंगाई बढ़ रहा है और दिन पर दिन महंगाई बढ़ रहा है। क्या गाड़ी वाड़ी चलाने जाते थे पहले 70 रुपये में बहुत दूर तक घूम के आते थे, अब कम हो गया है? हाँ। रास्ते में गाड़ी बुता जा रहा है क्या? दिक्कत है यही कि हम लोग कमाते हैं खाते हैं। कमाते खाते हैं। कच्ची का काम करते हैं आप? मार्बल का। मार्बल का, टाइल्स मार्बल का काम करते हैं। कितना रुपया बन जाता है टाइल्स में? वही 350 रुपये। 350 रुपये मैंने कुल मिला के 10,500 11,000 रुपये का महीना। हाँ। बन जाता है ना। अच्छा, क्या नाम बताए थे? संदीप। संदीप कौन जिला से? लखीसराय। बताइए, राजीव प्रताप रूड़ी जी के एम्बुलेंस में शराब लदा रहा है, क्या कहिएगा? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमारे एक जो लोक नेता हैं और जो प्रतिनिधि बन के जाते हैं, जो जनता के विश्वास जीत करके जाते हैं। अच्छा। और उनके एम्बुलेंस में
जो चिकित्सा के लिए है, गरीबों के सुविधा के लिए है, उसमें अगर शराब लगती है तो उन पर लानत, उनको तो तुरंत इस बात पर अगर अंजाम सही है तो उनको तुरंत रिजाइनेशन देना चाहिए और जनता के बीच में आना चाहिए। किनको रिजाइनेशन देना चाहिए? वही राजीव प्रताप रूढ़ी को। वो तो कह रहे हैं कि हम मुखिया जी को दे दिए थे, उसका सारा लेटर है हमारे पास, तो मुखिया जी को रिजाइनेशन देना चाहिए, मतलब कि आखिर राजीव प्रताप रूढ़ी को देना चाहिए? सही सही बताइए। अगर ये प्रमाणित होता है कि सही में उन्होंने मुखिया जी को मैंने बजाबता मैंने पत्र के माध्यम से उनको जिम्मेवारी सौंपी है, तब तो जिम्मेवारी मुखिया जी को जाती है। अच्छा, मुखिया जी को जाती है जी। तो ये थी पटना की जनता जो आई हुई थी पटना जंक्शन पे। इन लोगों का कहना है कि गाड़ी पे शराब नहीं लदाना चाहिए, हालांकि बिहार में शराबबंदी है, इसको देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर संज्ञान में आता है कि अगर राजीव प्रताप रूढ़ी अगर दोषी है तो उन्हें सजा देनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।